तो नमाज जनाजा जिसको हम कहते हैं, ये फ़र्ज किफ़ाया है। फ़र्ज किफ़ाया किसको कहा जाता है कि एक बस्ती के अंदर किसी का इंतकाल हुआ, वहाँ से अगर चंद लोग, कुछ लोग आ गए, 1000 लोग रहते हैं लेकिन उसमें से 50 लोग आ गए, 10 लोग, 20 लोग आ गए, उन्होंने आके जनाजे की नमाज पढ़ ली, तो सबकी तरफ से हक अदा हो गया, इसको कहते हैं फ़र्ज किफ़ाया। लेकिन अगर किसी ने, 1000 लोगों ने होने के बावजूद किसी ने उसकी नमाज नहीं पढ़ी और इसे दफन कर दिया, सारे के सारे गुनाहगार, इसको बोलते फ़र्ज किफ़ाया। यानी कुछ ने कर लिया तो वो काफ़ी हो जाएगा, चंद लोग कर लेते हैं, सबके तरफ से हो जाता है, तो फ़र्ज किफ़ाया इसको कहते हैं। अब ये इसको हमारे यहाँ पर ये कि वैसे तो इसको कहा जाता है सलातुल मैयत। अब सलातुल मैयत को हमारे यहाँ पर तर्जुमा उर्दू में, क्योंकि हम उसको करते कि नमाज जनाजा, तो उस नमाज से इस नमाज को जोड़ देगा कि वैसी की वैसी ये नमाज, हालांकि ये नमाज नहीं। सलात का मतलब सिर्फ नमाज नहीं होता है, अलग अलग माने में अलग अलग जगह पर हर मौके पर देखा जाएगा किस मौके पर बात आ रही, तो वहाँ सलात आएगा तो वह सलात का माना वहाँ पर अलग होता है। सलात का माना दुआ होता है, सलात का माना रहमत होता है, सलात का माना एक नमाज भी होता है। अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया कि अल्लाह सलात भेजता है, तो सलात भेजने का मतलब वहाँ पर क्या होगा, नमाज भेजना तो नहीं होगा। सलात भेजता मतलब कि रहमत नाजिल करता है। फरिश्ते सलात भेजते हैं तो ये लोगों तुम भी सलात भेजा करो, तो हम नमाज भेजने से मतलब नहीं, वहाँ पर क्या है कि तुम उनके लिए दुआ क्या करो, तो एक दुआ का माना भी है, एक ये भी है कि अल्लाह रहमत नाजिल करता है तो रहमत भी उसका माना है, एक सलात का माना नमाज भी है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हम इसको ये कहते हैं कि इस सलात का माना दुरूद भी होता है, वो भी उसके अंदर आता है कुरान में, ये सलात व सलाम भेजना, तो उसका माना एक दुरूद भी होता है जो अल्लाह के रसूल सल्लम के लिए हम भेजते हैं, तो वो उस मौके के कहाँ पर वो बात आ रही है सलात, उस मौके के हिसाब से उसका तर्जुमा किया जाएगा कि उसका माना वहाँ पर दूसरा होगा। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि इसको नमाज कहा जाने लगा, क्योंकि इसका तर्जुमा हमने कर दिया कि नमाज जनाजा, तो ये उसको कहने लगे, तो सलात लफ्ज की वजह से इसलिए इसको नमाज करार दिया। अब ये नमाज नहीं, ये दुआए मगफिरत। नमाज के अंदर कुछ बुनियादी अरकान होते हैं, वो नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। नमाज के बुनियादी अरकान क्या है, उसके बुनियादी अरकान ये है कि उसके लिए आपको कयाम करना पड़ेगा, रुकू करना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा और तादा उसका करना पड़ेगा, तो फिर वो जाके नमाज, इसमें से एक छूट जाए तो नमाज नहीं होगी। तो इसके अंदर ना तो इसमें कयाम तो है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर ना रुकू है, ना सजदा है, ना इसके अंदर कादा है, तो ये नमाज नहीं है, ये सिर्फ जो है दुआए मगफिरत है। तो अब इसको हमने नमाज कह दिया तो इसकी वजह से हो गया। अब इसके क्योंकि इस और भी वजह है कि नमाज नहीं है, क्योंकि इसकी अजान नहीं, इसकी तकबीर नहीं है, तो ये सिर्फ दुआए मगफिरत है, इस माने में यहाँ पर आएगा, उसकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने इसके लिए अजान भी शुरू कर दिया कि भाई साला ये नमाज़ जनाजा हो रही है, तो उसके लिए अजान भी देने लगे लोग कई जगह पर, और हो सकता है कि बाद में तकबीर भी कहने लग जाए, मुकम्मल नमाज ही कर लेंगे, तो ये भी इसमें होने लगा था। हालांकि ये कि दुआ मगफिरत है, दुआ होती है। अब हमारे यहाँ पर ये राइज हो गया कि नमाज जनाजा, तो हमने इस नमाज से जो हमारी फराइज नमाज है उसके साथ इसको जोड़ लिया, इसकी वजह से होता है। अब इसके अंदर भी इख्तलाफ जो आता है हमारे यहाँ पर, इसमें भी इख्तलाफ ये है कि इसके जो सूरह फातिहा नमाज के अंदर पढ़ी कि नहीं। हालांकि हदीस में है कि सूरह फातिहा इस दुआ मगफिरत की जो आपकी नमाज, जिसको आप, मुझे भी यही कहना पड़ेगा नमाज जनाजा, क्योंकि कही ही जाता है राइज हो गया, तो इसके अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो इसमें पढ़ना जरूरी, हदीस में मिलता है पढ़ना जरूरी भी, पढ़ा जाएगा उसको। लेकिन यह है कि अगर कोई नहीं भी पढ़ता है तो आपको, अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि असल में नमाज ही नहीं हो तो आप उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा। क्या आपको अगर टाइम मिल रहा है, वो आप खड़े हुए किसी के पीछे वो नहीं पढ़ रहा है, आपकी पढ़ लें, उससे तो आपको नहीं रोका जा सकता है, आपकी पढ़ लें, इतना उसमें आपको टाइम मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं उसके अंदर। और नहीं भी है तो, क्योंकि नमाज ही नहीं है तो इतना बड़ा फरीजा भी नहीं, अगर रह भी जाए तो कोई इसमें वो भी नहीं, क्योंकि असल में जो है मगफिरत वाली इसके अंदर बात है। तो इसके अंदर शिद्दत नहीं रखनी चाहिए कि शिद्दत इसके अंदर इख्तियार कर ले कि नहीं, ये ना भी नहीं पढ़े इसने तो हमने नमाज ही नहीं पढ़नी इसके पीछे, ये मामला नहीं। और अक्सर नमाज क्या नहीं पढ़े, वैसे तो लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, वो भले बहस कर लेते हैं हालांकि खुद वो नमाज नहीं पढ़ते, वो जब जागते हैं इसलिए शक्ल दिखाने के लिए, ताकि ये देख ले कि देखो ये मेरे दादा की मैयत में आया था, खाली वो नज़र पड़ जाए उसकी बस, तो उसके आगे पीछे थोड़ा सा बस एक बार इसकी नज़र हो जाए, एंट्री हो जाए कि हाँ मैं आ गया था बस, तो दिखाने के लिए गया हूँ, वो इसके लिए भी नहीं गया कि अल्लाह की रजा के लिए कि भाई जाऊँ मैं,
मैयत में जाने का भी बहुत सारा सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सारी हदीस उसके ताल्लुक से फरमाया, कितना कि अहम सवाब उसके बताएं कि अगर उसके साथ जाता है तदफीन तक रहता है तो फिर सवाब बताया गया उसका। लेकिन वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए गया, फॉर्मेलिटी के लिए गया तो फिर वो फिर कोई मतलब ही नहीं। और अगर ऐसे करने के लिए गया तो फिर वो दुआए मगफिरत भी करे उसके लिए खड़ा होकर, वो पूरी तरीके से भी करे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा उसकी मगफिरत के लिए, वो काफ़ी नहीं होगी। तो ये है कि किसी को अगर दुआए मगफिरत आती भी ना हो, क्योंकि अक्सर नहीं आती, क्योंकि रोज़ का मामला नहीं, कभी साल में कोई मरा तो उसमें ज़्यादा अभी नहीं आई उसके, तो फिर क्या करें। तो ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं, सीखने की कोशिश करें, वो नहीं आती है तो जो पढ़ रहा है उसके साथ में आप खड़े हो जाएं, जो इसे कर रहा है कर ले तो भी आपका हक उसमें अदा हो जाता है। अब इसके अंदर भी हम देखते हैं कि इस मामले के अंदर ये भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, और इसके अंदर बहुत सारी रस्में हमारे यहाँ पर शामिल हो गई, कई सारी रस्में इसमें आ गई। और रस्में इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में ज़रूरियात है, रस्में इस्लाम में नहीं। तो इसके अंदर आ गई कि कफन की बहुत सारी, अब जब बता, हालांकि ये भी हदीसों से वाजे क्या कफन होगा क्या नहीं होगा कैसा उसको रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर ही फिर ये चादर भी होना, ये भी होना, ऊपर ये भी होना, ये ढक दिया फिर इसके ऊपर और ढक दो, इसके ऊपर और ढक दो, इस पर फिर फूल भी रख दो, इस पर इतर भी रख दो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। अब ये भी अब फिर कोई पूछेगा कि नहीं कि मना है क्या, अब मना नहीं लेकिन मोहमल है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई मैयत को नहीं होने वाला। आप चाहे उसको फूल डालो, एक कुंटल डाल दो, दो कुंटल डाल दो, मैयत को कोई फ़ायदा होगा उससे? मैयत को कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऊपर से कुछ भी करें, मैयत को उसका कुछ भी नहीं मिलना है। तो इन पैसों से अगर, या आपने जो इतना इतर इसके अंदर लगाया, इतना आपने इसमें जो महंगी चादर इसके ऊपर मखमल की आपने रगी, इसमें इतना फूल लगाया, इतना पैसा किसी को सदका कर देते तो वो इसको फ़ायदा पहुंच जाता, ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, तो ये चीज़ इसमें फ़ायदा नहीं होता। और मैयत के इसाले सवाब भी जो दिया जाता है, हम कहते हैं जिसको इसाले सवाब, तो उसका इसाले सवाब मैयत का सिर्फ और सिर्फ बरजक तक रहेगा, आखिरत में काम नहीं आएगा, आखिरत में सिर्फ वही काम आएगा जो उसने ज़िंदगी में किया होगा। जो कुछ हम इसाले सवाब करते हैं, यहाँ पर हमारे दादा हमारे वालिद अगर गुजर गए और हम उनके नाम से सदका खैरात करते हैं, तो बरजक की ज़िंदगी में कुछ उनको तकलीफ या कुछ होगी तो वहाँ आसानी उनके लिए हो सकती है, लेकिन आखिरत में नहीं, वो आखिरत में काम नहीं आएंगे सारे हमारे, अब जो करेंगे बाद के अंदर करते हैं। आखिरत में तो सबको अपना अपना हिसाब उसके अंदर देना है। हाँ, कोई नेकी वो शुरू कर कर गया और बाद में लोग उसको करते रहे, कुछ वो काम लगा कर गया, लोग उसको करते रहे, अच्छा काम किसी को सिखाया वो करते रहे, तो उसका फ़ायदा उसको बरज़ख़ की ज़िंदगी के अंदर मिलता रहेगा, और बाद में भी उसको हो सकता है कि अल्लाह उसको फ़ायदा दे, तो उसके नामाए अमल में वो चीज़ें लिखी जाएगी जो वो कर कर गया ज़िंदगी के अंदर, बाद में जो चीज़ें उसे बरज़ख़ तक रही, आखिरत में वो भी काम नहीं आएगी, अब चाहे जितना भी उसके लिए खर्चा करते हो। और ये इसलिए भी है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह नज़म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39 में, ले सली इंसानी इला मसा, के इंसान के लिए वो है जिसकी उसने कोशिश की, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उसने जो ज़िंदगी में कोशिश की वो उसके काम आना है, बाकी इसके अलावा आखिरत में कुछ काम उसके आने वाला नहीं। तो दूसरा जो करेगा वो चाहे उसके लिए अच्छा करे चाहे बुरा करे, उससे को फ़ायदा नहीं पड़ता, उससे कुछ नहीं होने जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना। इस तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 18 में फरमाया कि वला तजीरु व जिर तुम विजरा उखरा, ये कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं। अब खुद अमल किया वो होगा, दूसरे के बोझ से कुछ नहीं। अब इसमें लोग ये भी कहते हैं किसी को रो रहा है कोई ज़्यादा, तो अब वो क्या कैसे राइज हो गया, बोले रो मत, मैयत को अजाब होगा, कुछ नहीं होगा, रोगा ये अगर ये गलत तरीके से रोना पीटना जो अल्लाह के रसूल मना किया है, अगर ये कर रहे तो इसका अजाब इन्हीं को होगा, ये गुनहगार में पड़ेगा, मैयत को कुछ थोड़ी होगा, और मैयत में तो वो दूसरे का बोझ क्यों उठाएगा, रो ये रहे और तकलीफ बेचारा उसको क्यों होगी, तो उसको नहीं होती है, क्योंकि उसके अमाल उसके साथ ख़त्म हो गए सर, तो वो बोझ नहीं उठाएगा अगर कोई करता है, तो ये नहीं होता है। तो ये मैयत जो है, फिर उसके बाद में अब आप चाहे कितना ही उसके लिए करते रहें, मैयत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुरू शुरू में तो लोग करते हैं, धीरे धीरे जब उसको दफन कर देते हैं तो दूसरे दिन भी जाएंगे, तीसरे दिन भी जाएंगे, सप्ताह भर लोग पाबंदी रख लें, फिर जुमा जुमा कर देते हैं, फिर महीनेवारी कर देते हैं, फिर कोई त्यौहार आ गया तो कर देते हैं, और उसके बाद तो भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। ये सभी के साथ मसला है, चाहे कितना ही अजीज़ हो उसके बाद कोई नहीं जाता है। तो शुरू शुरू के अंदर मोहब्बत के अंदर तो सब चाह रहे हैं, उसके अंदर फूल भी हो रही हैं, चादरें भी हो रही हैं, लेकिन उसके बाद में क्या पता है, फिर वो तो उसके बाद में ख़त्म हो जाता है, फिर कोई गया तो गया, साल में या त्यौहार में चला गया तो चला गया, नहीं तो वो भी नहीं लोग उसमें जाते हैं। तो फिर अब उसके अंदर बाद में फिर आप उसके अंदर छत बना दें, उसको पक्की बना दें, तो उससे फ़ायदा मैयत को कुछ नहीं होने वाला, चाहे कुछ बनाओ चाहे जो कुछ करें आप, सीमेंटेड करो संगमरमर से बनाओ, मैयत को कोई इससे फ़ायदा उसका होने वाला नहीं है।
और बाद में कोई याद भी नहीं रखता, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। तो फिर आज भी हम देखते हैं कि आप कब्रिस्तान जाएंगे तो बड़ी बड़ी वहाँ पर ऐसी मजबूत बनी हुई कि और 500 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, इतनी मजबूत बना के रख दी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आ ही नहीं रहे, कोई पता भी नहीं अब किसकी थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कई केस ऐसे भी होते हैं कि जरूरी नहीं कि अब ये नहीं, ये जरूरी है, अब इतना इसको अहम समझ लिया कि लाश के साथ में, मैयत के साथ में ये चीज़ें करना जरूरी है, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जहाँ आपके पास लाश ही नहीं होती, एयर क्रेश के अंदर कोई मर गया, नीचे कुछ भी नहीं आता, राग भी नहीं आती उसकी, अब वो तो है ही नहीं, तो अब उसकी तो कबर भी नहीं, कुछ भी नहीं, अब क्या करेंगे आप, कहाँ चादरें, कहाँ उसके फूल और कहाँ उसकी कबर पक्की बनाने की बात। ऐसे केसेस भी, जहाँ पानी में डूब गया, मिली नहीं, मछलियाँ खा गई, तो जो मर गया, जो उसने किया उसके साथ चला गया बस, जानवर खा गया, जंगल से आ रहा था, मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, घूम गया, लापता हो गया, मर गया वो, मिला ही नहीं, किसी ने की कुछ हो गया होगा, किसी ने क्या समझ के किसी ने जला दिया हो, किसी ने दफना दिया हो, क्या मालूम, नहीं मिला। तो जो उसने किया वो उसके साथ ही, ये इससे नहीं होता कि आप उसके साथ क्या करते हैं बॉडी के साथ में, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मर गया और उसके जो इससे कट जाता है, अब उसके बाद उस कुछ भी नहीं साम, ये तो मिलेगा ही नहीं उसको, तो ऐसा भी मरना होता है, ये भी मरने वाली बहुत सारी उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है हम लाश के साथ में रसने रस्में लगा रखी है कि उसके साथ, कई लोग उसमें कुरान भी रखने लग गए, अहदनामा रख देते हैं उसके साथ, कई बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रखी जा रही, और ये सारे हमारे यहाँ के रस्में नहीं, ये ईसाइयों के अंदर होता है, ईसाई उसके अंदर रखते हैं अहदनामा, ये वो रखा करते हैं, आज भी रखते हैं बहुत सारी चीज़ें उसकी जो है इस्तेमाल की, वो भी रखते हैं, सूट बूट पहना के नया उसको तैयार करके ले जाते हैं, क्या काम का उसका, वो किसी को देते वो सूट पहन के, दूसरे को देते तो उसकी ठंड बुझती है, उसके काम आता तो वो काम का था, लेकिन वो करते तो हमारे यहाँ भी रस्में आ गई, ईसाई से सारी चीज़ें यहाँ पर आई है, और यहाँ पर भी जो है वो इसलिए कुरान रख देते हैं कि कुरान के भाई कुरान बख्शा जाए, कुरान बख्शिश करेगा, इसलिए रख देते वो, लेकिन ये है कि उससे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर ज़िंदगी में उसने कभी पढ़ा ही नहीं है तो किसी काम का ही नहीं, चाहे उसके अंदर आप रख दो, अरबी नहीं आती तो तर्जुमे वाला भी रख दो, कोई फ़ायदा नहीं देगा उसको, उसको फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, कोई इबादत कोई अमल नहीं की, पर अब रख दिया जाए, अब उसके अंदर लोग मिसवाक भी रख देते हैं, अब जिंदगी में कभी नहीं करी उसने, तस्बीह भी रख देते, कभी उठाई नहीं उसने, घर में टंगी हुई थी लेकिन वहाँ रख दी जाती है अंदर, और आजकल क्या पता चार पांच चीज़ें आने लगी हैं, वो भी रख देते हैं कि ये भी रखो, लकड़ियाँ दो तीन तरह की, वो भी उसके अंदर रख दी जाती है, और यहाँ पर ये सब ईसाई ऐसा है हमारे अंदर नहीं है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि ईसाई सलीब रखते हैं उसके अंदर, तो हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ नहीं है, निशान तो अब रखने लगे, हो सकता है आगे निशान भी रखने लग जाए, क्योंकि हम ये दूसरों की मुशाबतें करते जा रहे हैं, और ये तो सोचने की बात है कि अगर कुरान उसमें आप रख रहे हैं तो कितना बड़ा गुनाह है, अवलन तो उसको पढ़ना नहीं, दूसरी चीज़ की अगर वो कुरान के अंदर दीमक लग गई, मुसब को आपने ख़राब किया, उसके अंदर जो है वो पानी की वजह से पानी पड़ा अंदर, नमी आई वो सड़ गया, ये तो और गुनाह के काम है, बजाय इसके कि आप उसको फ़ायदा दे रहे हैं, तो उसको तो कुछ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी जो वो तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जो रख रहे हैं उनको वो जिम्मेदार है, और अगर कुरान की ऐसी बेहरमती करी है तो फिर वो तो और गुनहगार है, रोज़े क़यामत पूछा जाएगा उनसे। अब जो ऊपर से जो करे जा रहे हैं लोग सारी चीज़ें, उससे मैयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दफन होने के बाद, तो आप ऊपर से जाए जो करें करते रहें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उससे, क्योंकि अंदर तो वही होना है जो सबके साथ होना है, चाहे वो अमीर था चाहे गरीब था, वो उस एक बॉडी उसकी धीरे धीरे सड़ना है, गलना है, उसमें कीड़े पड़ना है, वो सबके साथ होना है। अब ऊपर से चाहे जो कर लें, जितनी हार फूल पक्की आप कर लें, अंदर तो सबके साथ एक जैसे ही मामला उसका होना है, क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर तो था, वो दुनिया में पसंद नहीं करता था, पूरे खिड़की एक कमरे के अंदर मच्छर नहीं आ जाना, पूरे खिड़की दरवाजे पैक करता था, उसके लिए नई नई जो है चीज़ें लेकर आता था कि ये लगाया जाएगा, ये नया जो चीज़ आई है, नया रसायन आया, इसको लगाने से मच्छर नहीं आते, ये अगरबत्ती लगाना, वो लगाना, ये लिक्विड लगाना, ये करता था, एक मच्छर पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि उसको काट ले मच्छर पसंद नहीं, लेकिन कब्र के अंदर कितने कीड़े खाएंगे उसको, वहाँ भी इसका इख्तियार नहीं। दुनिया के अंदर उसको ये पसंद नहीं था कि बदबू आए कुछ, किसी की सड़न पसंद नहीं करता था, उसके लिए वो टॉयलेट के अंदर भी जो है उसके उसमें भी खुशबू लगाता है कि उसको पसंद नहीं कि बदबू जरा सी, लेकिन वहाँ सड़ना है, बदबू फैलना है, सबके साथ ये हो, वो पसंद नहीं करता दुनिया के अंदर के घर के अंदर कभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो, तो उसके लिए वो इमरजेंसी और इन्वर्टर और ये सारी चीज़ें करता है, जनरेटर सब लगाता है, लेकिन वहाँ पर अंधेरा ही रहना है, वहाँ कुछ नहीं होना। तो ऊपर से आप जो कुछ करें लेकिन अंदर तो वही होना है जो सबके साथ होना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर दफन हो गया तो उसके बाद फिर
आके भी बहुत सारे लवाजिमात, खाना आके खाना, अब ये तो बहुत बेहुदा रस्म है, बल्कि बेहुदा भी छोटा है इसके लिए, वो उसके यहाँ मर गए और आप उसके वहाँ पे खाना खाया जा रहा है। हाँ, ये उनके लिए कोई बना दे जो घर वाले हैं, भाई जिसका भाई था वो सब गमी के अंदर है, उनके घर पर नहीं बना खाना, तो उसके लिए लोग बना दे, उसको खिला दे, या ज़्यादा से ज़्यादा है कि बाहर से कोई मेहमान आए इतनी दूर से तो उनके लिए बना दे। लोकल के लोग, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार सब वहीं रहते हैं, सबके घर पास में, तो बजाय वहाँ से लाने की सब वहाँ पर उसको इकट्ठा होकर खा रहे हैं, तो ये तो बेहुदा, बड़ी बेहुदा बात, ये किया जाए तो ये भी जो है इसको सोचने की ज़रूरत है कि ये ना किया जाए, और ये तो बंद होनी चाहिए, और ये तो गैर मुस्लिम भी समझ गए आज इसको, कि इसको बंद किया जाना चाहिए जो रस्में हैं, खाने की रस्में। और मैं यहाँ तक ऐसा, क्योंकि हम खिदमत खल के लिए जाते, तो मैंने ऐसे देखे कि जो लोगों को हम दे रहे हैं इसकी वजह से वो खा रहे हैं, या वो खुद भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो गया, कई केसेस मैंने देखे कि उसका बाप बीमार था, वो उसकी बीवी बेचारी घर घर जाकर बर्तन मांझ के और जैसे तैसे बच्चों को पाल रही, उसके अंदर कुछ हम हेल्प कर देते हैं उसकी, उसकी बीमारी के लिए हम देते, पैसा भी नहीं उसके पास, बोतल इंजेक्शन दवाइयों के लिए, अब वो मर गया तो उसके बाद भी लोगों ने दबाव प्रेशर बनाकर उसको उधार देकर उसका जो है 40वां करवाया और सबने मिलकर खाया, भिखारी के यहाँ पर खा रहे, बताओ वो कितने बड़े भिखारी लोग हैं। अब भिखारी के यहाँ खा रहे, शर्म नहीं आ रही आपको, आप उससे बड़े भिखारी है फिर, उधार लेके कर रहा है उसके, जब तुम तो गए नहीं, जब उसके बेचारे को इलाज की जरूरत थी तब तो पैसा देने कोई गया नहीं, मर गया तो आप उसको छूटने आ गए सारे के सारे। वो मर गया एक घर का, उसके बच्चे यतीम हो गए, अभी बच्चे यतीम हो गए, अब यतीम का माल खा रहे, ये कुरान में अल्लाह ने साफ मना किया उसके यतीम का माल खाने से, और अब यतीम का माल खा रहे, उसको उसको जीते जी मारना है ये उसके घर वालों को, वो तो मर गया जो आदमी था लेकिन उनको जीते जी मारा जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हम देखते कि ये होती है। तो ये खाना तो बड़ा बेहुदा है, और इसको तो ये कि खिलाना भी नहीं चाहिए, बल्कि जो इसके लिए तो हमको कोशिश करनी चाहिए, नज़म कायम करना चाहिए कि इस चीज़ को रोका जाए, इसके लिए हमको लोगों के पास जाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए, और इस चीज़ के अंदर लोग अब अवेयरनेस आ गई लोगों के अंदर, अब लोग चाहते हैं कि इससे निकलना, तो हमारे पास भी नज़म होना चाहिए कि हम इसके लिए एक 4-5 लोग मिले और बनाए कि हमारे काम होना चाहिए, चाहे सप्ताह में करें, हमको जा जाकर घर पर लोगों को ये समझाना, ताकि इन चीज़ों को पहले से हम समझा के रखें क्या दीन आपको कह रहा है, क्योंकि वो कई लोग तो दीन का उसको फरीजा समझने की वजह से कर देते, कर्जे में कर देते, गुर्बत के अंदर इसको कर देते, तो इसको जो जरूरी है कि इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए, और ये भी उन्हीं का काम है जो जानते हैं, उनका काम है कि वो लोगों तक इसको पहुँचाएं। अब उसमें भी फिर और इसके अंदर आगे जो रस्में कई सारी, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कि उसके बाद स्वयं की फातियाँ, तीजा जिसको कहा जाता है, इसी लफ्ज़ हमको मालूम पड़ता है कि हमारी उसकी कोई असल नहीं है, कोई असल नहीं है इसके। अब इसके अंदर भी चने, कोमचे, चीहे पढ़ना और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब किसी को इतना ही इसाल सबक पास हुए तो इकट्ठा होकर करने की क्या जरूरत, अपने घर पढ़ लेते चने, कुरान आपको पढ़ना था तो घर भी पढ़ सकते थे। तो यहाँ इसको एक रस्म पूरा बनाकर यहाँ पर मस्जिद में बैठकर या घर के अंदर ही करना कोई जरूरी है, या ऐसा है कि नहीं यहाँ इसके घर के आगे पहुँचाएंगे तभी ज़्यादा सवाब मिलेगा, हमारे घर से दूर पड़ रहा सवाब तो वहाँ जाके उसमें कुछ कमी पड़ जाए। असल में तो क्या है कि ये हुआ शुरू, मैं जहाँ तक समझता हूँ शुरू कैसा हुआ कि जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, अब वो तो एक रस्म तो हो गई, वो तीजा होगा तब जिसको कुरान पढ़ना आता है वो तो पारा लेकर बैठ जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी आएंगे कि करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर उन्होंने कहा कि यार इनको पढ़ना नहीं आता तो इतना तो पढ़ना आता होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो चलो तुम भी करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, तो ये शुरू हो गया। कब ये खाली बैठे क्या करेंगे, इनको तो आता ही नहीं कुरान पढ़ना, अरबी नहीं आती, तो इन्होंने ये चालू कर दिया। तो ये ऐसे भी हो, इसके हो सकता है। तो असल ये है कि हमको ये लोगों को बताना चाहिए और इसके बारे में हमको बताना जाकर इनको बताना चाहिए ये चीज़ें इस्लाम में नहीं, क्योंकि ये राइज हो गई हैं और लोग इसको अहम फरीजा समझते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद में फिर लोग क्या कहेंगे, करना पड़ेगा, सब तो करते आ रहे हैं, तो इसको भी समझाए, इसकी ज़रूरत है कि हम इसको समझाएं और लोगों की फिक्र ना करें, फिक्र हमको उसकी करना है कि अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे उससे क्या काम, अल्लाह उसका रसूल क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे, वो काम हमको करना है। अब उसके बाद में 10, 20, 40 सालाना भी बनाया जाता है, ये भी की जाती है, और ये तो सोचना चाहिए कि ये काय के लिए किया जाता है, ये तो खाने वालों को भी थोड़ी अकल लगानी चाहिए कि भाई किसके लिए किया जाता है, कि भाई उसको इसाले सवाब मतलब सदका और खैरात से पहुंचता है इसाले सवाब, और आप पूरे के पूरे लोग जो वहाँ पूरे सवा महीने की उसकी फातियाँ हो रही है और पूरे सालाना उसकी बरसी मनाई जा रही है, ये गरीबों के लिए है, सदका खैरात कौन खाएगा, गरीब खाएगा,
वो सदका खैरात लोग अमीर अमीर खा रहे, कार लेके आ रहे सदका खैरात खाने के लिए। तो ये तो थोड़ा सा अकल लगाना चाहिए लोगों को भी, हम क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, तो गरीबों के लिए। बल्कि और उसके नाम से तो कर देना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, मेरे बाबा की बरसी है, तुम्हारे घर से भी 1000 रुपये सदका कर देना, इतनी मोहब्बत है, ये होना चाहिए। तो फिर ये सदका खैरात है, आप उसके घर खाने जा रहे तो ये नहीं होना चाहिए। इसको भी हमको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अब ये भी एक ज़िंदगी, हालांकि बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं और कई बार मैंने रखी भी हैं, लेकिन मुख्तसरन के ज़िंदगी के 3 अहम हिस्से हैं, जिसमें से एक है पैदाइश, दूसरा है मौत।